बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस, आज की वीडियो मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई चैनल से है और वीडियो का टॉपिक वाकया करबला पार्ट 2। क्योंकि हमने इसका पार्ट मेक करने का डिसाइड किया था, तो पार्ट 1 हमने इस वीडियो का किया है और पार्ट 2 की बारी है और ये वाकया करबला है। इससे पहले हम लोग ने जो किया था उसमें यजीद और हज़रत इमाम हुसैन के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो अभी आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 2 वाकया करबला। जिस हुसैन का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था और यजीद की करतूतों के चश्मदीद गवाह थे। यजीद जब तख्त नशीन होता है तो उसे ये फिक्र होती है कि इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये मेरी बैत करें। और वो वलीद बिन उकबा को लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो और अगर बैत ना दें तो सख्ती करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलावा आता है कि आपको दारुल अमारत में, गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है। वलीद बिन उकबा का पैगाम आपको पहुँचता है। आप उस वक्त फरमाते हैं कि इस वक्त जो पैगाम पहुंचा है वो किसी ख़तरे से खाली नहीं है। तो कुछ सवारों को साथ लिया, कहा तुम दारुल अमारत के बाहर खड़े रहना, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हुई तो अंदर आ जाना, वरना तुम इंतज़ार करना। आप अंदर गए। वलीद बिन उकबा ने मरवान को भी बुलाया था। मरवान बिन हकम ये गवर्नर मदीना वलीद से पहले रह चुका है, तो उसने मशवरा दिया कि सख्ती की जाए। खैर, वलीद बिन उकबा ने कहा कि ये ख़त है, हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त नशीन हुआ है, लिहाजा वो आपसे बैत का मुतालबा करता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यूँ छुप के बैत नहीं कर सकता, और आप वापस पलटे। मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उकबा को कहा कि ये मौका है, जाने ना दिया जाए, अगर ये निकल गए तो दोबारा तुम काबू नहीं पा सकोगे और इन्हें यहीं कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुन ली। कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन उन्हीं कदमों के बल वापस पलटे और मरवान बिन हकम से मुखातब होकर कहा, मरवान क्या बोल रहा है? वो खामोश हो गया। फरमाया तू जानता नहीं हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। मैं हुसैन हूं, मैं अली का बेटा हूं। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, वही का नजूल होता रहा है, और यजीद फासिक है, फाजर है, मुसलमानों का कातिल है और शराबी है। मैं डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता हूं। बस हैदरी कछार से मुहम्मदी शेर निकल आया है। अब औसान खता हो गए, रास्ता छोड़ दिया, वापस आए, सैयदा जैनब से मिले, कहा मदीने को छोड़ना पड़ेगा। कहा भैया क्या हुआ? कहा यजीद बैत लेने पे मुसर है और मैं किसी सूरत भी बैत नहीं करूँगा। रसूलुल्लाह का मदीना हमारे खून से लालाजार बनेगा। मैं नहीं चाहता कि हुजूर के शहरे नूर की हुरमत पामाल हो। दोस्तों, वो कैसा मंजर होगा जब हुसैन इब्न अली ने आखिरी हाजिरी हुजूर के रोजे पे दी हो। हाजी या मोतमिर 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 20 दिन के लिए मदीनातुल मुनव्वरा आर्जी सुकूनत इख्तियार करता है और हुजूर के रोज़ा अनवर से, उस शहर नूर से, उन गलियों से, उन बामो दर से ऐसा मानूस हो जाता है कि जब वापस पलट रहा होता है इन दुआओं के साथ कि दोबारा आना भी नसीब हो, और उसे लगता है कि मैं दोबारा भी बुलाया जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद शहर हबीब छोड़ना कयामत से कम नहीं होता। आज़म चिश्ती मरहूम
आखिरी बार जब हुजूर के रोज़े अनवर पे गए तो बीमार थे, व्हील चेयर पे थे। बाबे बकी से बाहर निकले तो खादिम से कहा कि मेरी व्हील चेयर पीछे से खींचो ताकि मेरा रुख रोज़ा अनवर की तरफ रहे। और वो पीछे से खींचता चला जा रहा है। और जब बाबे मक्का से पीछे जन्नतुल बकी के करीब से गुंबद खजरा निगाहों से ओझल होने लगा तो आज़म चिश्ती मरहूम ने कहा, जहाँ बदन से निकलती है आज़म, जहाँ बदन से निकलती है आज़म, कोई आसान है मदीने से जुदा होना, कोई आसान है मदीने से जुदा होना। ये उस शख्स की कहानी है जो 10 दिन 5 दिन महीना 2 माह वहाँ रहता है और फिर उस शहर को छोड़ के आना उसके लिए आसान नहीं होता। और मुझे बताओ कि हुसैन जो पैदा मदीने में हुआ, जिसके घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था, जो मस्जिद नबवी के अंदर परवरिश पा के जवान होता है और मदीने की गलियों में खेलता रहा, उस हुसैन इब्ने अली के लिए मदीना छोड़ना, और फिर वो इस बात का इल्म और शऊर रखते थे कि ये आखिरी बार हुजूर के दर पे हाजिरी है, दोबारा इस शहर नूर में नहीं आ सकूंगा, तो क्या कयामत होगी और क्या मंजर होगा। मोहम्मद बिन हनफिया के अलावा ख़ानदान नबूवत के जितने लोग थे उन सब ने शहर मदीना को अलविदा कहा और रात के मौके में मदीनातुल मुनव्वरा को, मस्जिद नबवी को छोड़ करके मक्का की जानब आज़म सफ़र हुए। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचते हैं, उधर कूफियों के खतूत आने शुरू हो जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूरत हाल मालूम करने के लिए भेज देते हैं। 40,000 कूफी आपके हाथ पे बैत कर देते हैं। इधर 25 पैदल हज करने वाले हज़रत इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को एहराम बांधते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि हाजियों के रूप में कातिल छुपा दिए गए, तो आप उस एहराम को हज की बजाय उमरे में बदलते हैं और कूफे की जानब आज़म सफ़र होते हैं। कायनात वालों, ज़रा सीने पे हाथ रख के देखो कि यह कितना मुश्किल मरहला था इस दीन की आबरू को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया। आपके बहीखा दोस्त अहबाब अब्दुल्ला बिन उमर ये सारे रोकते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हज़रत ना जाइए, अलकूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी कभी वफा नहीं करते। आपके वालिद को वहाँ शहीद किया गया, लेकिन आप एक फ़र्ज को निभाने जा रहे हैं, मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानों ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो, मैं जाता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूँ ना रहूँ पर अज़मत इस्लाम रह जाए, मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। हज़रत इमाम हुसैन यहाँ से चलते हैं, अभी रास्ते में ही पहुँचते हैं कि ये खबर आती है कि कूफे वालों ने बेवफाई कर दी, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, नोमान बिन बशीर माजूल कर दिए गए, इब्ने मुरजाना इब्ने ज़ियाद वहाँ मुतायन कर दिया गया जो सख्त गिर शख्स था, और उसने लोगों को डराया धमकाया और कूफे के लोगों के दिल बदल गए और वो बैतें तोड़ने लगे। वो मंज़र मस्जिद कूफा का कितना दिलगुदाज था, जब इमाम नमाज के लिए खड़े हुए तो 40,000 लोग आपके पीछे था, जब सलाम फिरा और इमाम ने देखा कि पीछे लोग नहीं हैं, फिर लोगों ने अपने दरवाज़े भी बंद कर लिए। रात की तन्हाइयां हैं और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कोई पनाह देने वाला नहीं है, लोगों ने दरवाज़े बंद कर लिए कि कहीं हमारे घर में ना आ जाएं,
और हम मुशक्कत और हुकूमती तशद्दुद का शिकार ना हों। कितना दर्दनाक लम्हा है हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे, और फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील बेदर्दी से शहीद कर दिए जाते हैं। आप अभी रास्ते में हैं, ये सारी कहानी पहुंचती है कि हज़रत मुस्लिम शहीद कर दिए गए और बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। वो जिन्होंने ख़त लिखे थे कि हम आपके साथ हैं और हम मुंतज़िर हैं, चश्म भरा हैं आपके कदमों की चाप सुनने के लिए बेताब हैं, आज उन्होंने पैतें तोड़ दी। 40,000 कूफी मुनहरिफ हो गए। मस्जिद कूफा का वो मंज़र किस कदर रूह को तड़पा देने वाला था। हम पिछले साल असर और मगरब के दरमियान जब कूफा पहुँचे तो सूरज डूबने के करीब था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना उदास मौसम कहीं नहीं देखा जितना उदास मौसम कूफे में देखा। ऐसे लगता था जिस तरह कूफे की आबो हवा आज भी शर्मिंदा है, जो मुस्लिम बिन अकील और ख़ानदान नबूवत के साथ अहले कूफा ने किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके बही खाहों ने, आइज़ा ने, अकरबा ने, दोस्तों ने, आवानो अंसार ने, साथियों ने कहा कि हज़रत हालात यकसर तब्दील हो गए, अब हमें मुराजात कर जानी चाहिए, वापस पलट जाना चाहिए। तो हज़रत इमाम हुसैन काफ़ी सोच विचार में रहे, फिर उसके बाद आपने फ़ैसला किया कि हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ने कहा कि हज़रत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि वो आपके साथ सलूक अच्छा नहीं करेंगे और आप बच्चों के सामने प्यासे शहीद कर दिए जाएंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ एक खुतबा इरशाद फरमाया कि लोगों तुम जो मुझे बता रहे हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो तुम मुझे मंज़र पेश कर रहे हो वो मेरी निगाहों में है और जो कुछ होने वाला है चश्मे तसव्वुर वो मंज़र देख रही है। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर हज़रत इमाम हुसैन के पैदा होते ही ख़ानदान नबूवत में आम थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये बात जिब्रील अमीन ने आके बताई थी जब हुसैन इब्ने अली के साथ हुजूर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो ये जिब्रील अमीन ने आके कहा था हुजूर आपका ये बेटा अर्ज़ तफ में शहीद कर दिया जाएगा, और करबला की मट्टी ला के हुजूर को दी और उम्मे सलमा को हुजूर ने अता कर दी। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दिन मैं सोई तो ख्वाब देखा कि हुजूर के मुबारक बाल बिखरे हुए हैं और सख्त परेशान हैं, तो मैंने कहा कि हुजूर आपकी ये क्या हालत है। वबे यदे ही कारूरा, और हुजूर के हाथ में एक शीशी है, फीहा दमुन, जिसके अंदर खून है। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या। फरमाया मैं कत्ल गाहे हुसैन से आ रहा हूँ और ये हुसैन इब्ने अली का खून है। तो कहा 10 मुहर्रम का दिन था, दोपहर का ये मंजर था, मैं कैलूला करके उठी, जब मैंने देखा तो वो शीशी जिसमें करबला की मट्टी रखी थी वो खून बन चुकी थी। तो ये खबर पहले दी गई थी, ये बता दिया गया था। फरमाया मेरे दोस्तों जो तुम मुझे बताते हो मैं उससे बेखबर नहीं हूँ, ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों जा रहा हूँ। तो आपका एक तारीख साज जुमला है जो करबला के फ़लसफ़े को हमारे सामने रखता है कि ये इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वालकुम फ़ी उस्वा, मैं इसलिए जा रहा हूँ क़यामत तक जुल्म जबर और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के लिए कोई नमूना तो। मेरी ज़िंदगी क़यामत तक जुल्म जबर और इस्तेहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के लिए नमूना है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ और बातल के दरमियान एक सुर्ख लकीर खींच दी अपने खून से। अब हक और बातल का इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है, कोई बातल पे अड़ा रहे तो अलग बात है, लेकिन इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है, हुदूद बिल्कुल वाजे कर दी। इकबाल ने यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ इस मजमून को निभाया, सुर्ख रू इश्क गयूर अज खून हो, शोखिए ई मिसरा अज मजमून हो, ता कयामत कत इस्तिबदाद कर, मौजे खून हो चमन ईजाद कर। एक जहां आबाद कर दिया, अहक और बातल की राहें उछाल दी, अब लोगों को यजीद का चेहरा पहचानने में देर नहीं लगती। वक्त के हर यजीद का चेहरा
आसानी से पहचाना जा सकता है ये मारफत जमाने को करवाई किसने, हुसैन इब्ने अली ने करवाई रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो मेरे साथ होने वाला है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। फिर बड़े और करबला में जाके खैमा जद हो गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन जिक्र पानी का होता है इसलिए कि खाने के बगैर इंसान कई दिन काट लेता है लेकिन पानी के बगैर गुजर नहीं होती। तो फुरात की नहर सामने अपनी मौजों के साथ चमक रही है लेकिन एक कतरा आप भी आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। कायनात के अंदर ऐसे अनोखे इम्तिहान भी होते हैं। वारिसों साकिये कौसर के, मालिक हों हौजे कौसर के और बेटे हों साकिये कौसर के, और आज एक बूंद पानी की भी मुयस्सर ना हो। सब्र का इम्तिहान है, अजीमत का इम्तिहान है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु खैमा ज़न हो गए। 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रम को रात की तन्हाई में हमलावर होना चाहते हैं लेकिन आपने कहा कि हमें अल्लाह के हुजूर इबादत और जिक्र के लिए वक्त दिया जाए। तो जब हजरत हुसैन को जब ये वहाँ पर गए ना, इन तरह ने कहते हैं कि गवर्नर ने बुलाया कि कोई पहले किंग था वो मर गया था तो यजीद ने उन पर कब्जा कर लिया और वो एक तरह से राजा बन गया। तो उन्होंने कहा कि हज़रत हुसैन से बैत करवाओ, एक तरह से उनको कहो कि तस्लीम कर ले, यजीद जो हैं वो किंग हैं तो उनके आगे झुक जाएं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। बैत का मतलब क्या? बैत का मतलब तो चूमना, जैसे मेरे को पता हाथ चूमना, माथे पे चूमना, हाथ चूमना, बैद वो होता है बैद करना। बूसा भी तो वही होता शायद, मे भी वही होगा। तो बैद का मतलब इन टर्म या तो चूमना हो गया या फिर झुकना हो गया, एक तरह से तस्लीम करना हो गया, झुकना हो गया, हाँ वो यहाँ ये झुकना हो गया या मान लेना, तस्लीम करना, यहाँ ये चीज है। तो हजरत हुसैन ने एकदम मानने से इनकार कर दिया और वो फिर उनको पता लग गया कि उनकी फौज बहुत बड़ी थी, यजीद की फौज काफी बड़ी थी, तो उनको पता गया कि अब जंग ही होगी अब। तो और उनको आइडिया हुआ था कि मदीना में ना खून बहेगा, तो वो खून इतनी पाक सिटी में खून बहाने से बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वो अपने कुछ साथी को लेके वहाँ से निकल गए थे। और पता लगा बीच में उनके कुछ जो लोग थे वो धोखा दे गए थे, हाँ चले गए थे उन्हें छोड़ के। हाँ मतलब ये सोच करके कि हमारे साथ गलत हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ जाएंगे तो जो दुश्मन है वो इनका पीछा करेंगे और उनकी वजह से हमें डर है, हम सेफ नहीं हैं, तो इस वजह से वो धोखा कर गए थे। और वही कौन सी एक प्लेस पर आकर रुके थे जब लोगों ने भी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे? हाँ, वो जगह मेरे माइंड से भी स्किप हो गई। हाँ, वो रात का टाइम था और अकेले इमाम हुसैन थे सिर्फ, और कहते हैं उनको पता लग गया था कि आगे ये जब जो लोग छोड़ के चले गए थे उनको, हजरत हुसैन को पता लग गया था कि आगे क्या होने वाला है। लोगों ने भी कहा, उन्होंने लोगों को कहा कि मुझे पता है आप जो बता रहे हो, मुझे पता आगे क्या होगा, यजीद आगे क्या करवाएंगे, क्या होगा, उन्होंने सब पता था। तो वही हुआ, फिर आगे जाके काफ़ी मुश्किलें हुई और उनका खाना तो दूर पानी पीना तक मोहताज कर दिया। यजीद की सेना ने पानी पीने तक भी पर भी रोक लगा दी। वो कहते 3 दिन तक हजरत हुसैन ने पानी नहीं पिया। मतलब कि 10 मुहर्रम को हुआ था ये वाक्या और 7 मुहर्रम को ये सब बंद कर दिया था, पानी वगैरह और, है ना। तो ये कोई वाक्या हुआ था, बाकी अब आगे का वाक्या पता लगेगा कि आगे क्या हुआ। बट यजीद मतलब समझ नहीं आया, मतलब ये एक चीज़ समझ नहीं आई कि अगर हजरत हुसैन अगर मक्का से मदीना से ना जाते, वहीं रहते, क्योंकि पहले जो इतनी बड़ी फौज थी, जब अबू बकर नहीं अबू सूफियान, जब अबू सूफियान जब अपनी फौज लेके आते थे तब जंग होती थी, तब भी तो मदीना की फौजों का सामना करती थी। तो इस टाइम क्यों नहीं मदीना की फौज ने उनका सामना साथ किया, नहीं दिया उनका? मतलब जैसे वो बताते थे कि 40,000 लोग उनके साथ गए थे, 40,000, हाँ 40,000, तो 40,000 ही उनको अकेला छोड़ के धोखा दे गए। तो अभी हालांकि काफी चीजें हैं क्लियर होंगी, धीरे धीरे क्लियर होंगी हमें, बहुत बड़ा वाक्य है ये, इतने जल्दी समझ नहीं आएगा।
देखते हैं आगे वाले पार्ट में क्या समझ आता है। तो मोहम्मद रज़ा साकी मुस्तफ़ाई चैनल से हैं, या आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।